मनी मले जी। आदरणीय उपस्थित जन मंच पर मेरे निकट उपस्थित और आप सब लोग, मैंने आपको बताया था, घर पर ही मैंने सुनाई थी छंदबद्ध रचना, और मैंने ये बताया था कि छंद से मैंने मुक्ति बहुत पहले पाई। तो ये तो बहुत बाद में मुझे लगा और बाद में मैंने मालूम हुआ कि बराबर बड़े बड़े लोगों द्वारा समर्थन उसका हुआ, लेकिन शुरू में मैंने खुद अपने आप माना कि ये छंद जो है गड़बड़ करता है। और इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ष वर्ष आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि छंद की प्रकृति है भाषा को एक हद तक उसके यथार्थ से शून्य करना और इस तरह समूची रचना पर असार अस्तित्व की अर्थ चेतना मंडित करना। फिर कॉलरिज जो इल्यूजन रियलिटी उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने कहा कि छंद शब्दों के रागात्मक साहचर्यों के अवधानों को ही उद्दीप्त करता है। रागात्मक साहचर्य जो है वो हमारे सीमित सीमित तंत्र को बांध देते हैं। राग जो है, बल्कि राग में बद्धता होती है जबकि संवेदना में मुक्ति होती है। तो राग जो है वह अनुराग और राग के कारण बराबर छंद जो है उसमें, आप वैसे भी देखें तो जैसे मीरा के पद देखें आप, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी कवित्री है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि बसो मेरे नैनन मैनन लाल, सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन मैनन लाल। फिर से रिपीटेशन की बात का होता है। तो छंद जो है वह ये रिपीटेशन करता है, बल्कि ये आप कहिए कि जो आज की कविता है या जो कविता है वो जहां से शुरू होती है वहां आखिरी में जाके शिखर पर पहुंचती है, यानी बराबर गिरती उठती है, लेकिन गिरती है तो दूसरी ऊंचाई से, लंबी ऊंचाई से ऊपर उठती है और बाद में अंत में जाके शिखर पर होती है। ये आज की कविता का स्वभाव है, साधारण स्वभाव है। तो ये जो स्वभाव है ये बराबर छंद में नहीं रहता, मुझे ऐसा लगा और इसीलिए मैंने छंद को छोड़ दिया। अब मैं कविता सुनाता हूं दो चार आपको, उसको देखिए शायद आपको पसंद आए। पानी है बहुत आत्मीय, ये कविता है मेरी। पानी अपनी तरलता में गहरा है, अपनी सिधाई में जाता है, झुकता मुड़ता नीचे की ओर जाकर नीचे रह लेता है अंधे कुओं तक में। पानी अपनी तरलता में गहरा है, अपनी सिधाई में जाता है, झुकता मुड़ता नीचे की ओर जाकर नीचे रह लेता है अंधे कुओं तक में। पर पानी अपने ठंडे क्रोध में सनाका हो जाता है, ठंडे आसमान पर चढ़ जाता है तो हिमालय के सिर पर बैठकर सूरज के लिए भी चुनौती हो जाता है। पर पानी पानी है बहुत आत्मीय, पर पानी पानी है बहुत आत्मीय, बहुत करोड़ों करोड़ों प्यासों का अपना, रंगों में रगों में खून का साथी हो बहता है, पृथ्वी व्यापी जड़ों से होकर बादल की खोपड़ी में भी वही होता है और अपने सहज स्वभाव के रंगों से हमको नहलाता है, सूरज को भी तो आईना दिखाता है। तब तकरीबन पानी समय की घंटियां बजाता है और शब्दों की सफेदती दहार में कूद कर नदी हो जाने की हाँक लगाता है। पानी बहा जा रहा है, पिया जा रहा है, जिया जा रहा है, खुद जी पाने की लड़ाई में तत्पर है पानी। चट्टानी अंधेरी पकड़ से लड़ते हुए उगकर समूची पृथ्वी पर अपनी तरह तौर से लहरने में तत्पर है पानी। पानी कभी खत्म कर देने के लिए जमीन में सोखा जा रहा है, पानी कभी खत्म कर देने के लिए जमीन में सोखा जा रहा है तो फिर भाप में उड़ता जा रहा है
उससे श्रम पूर्ण ज्यादा हुआ। अब पानी खोल सी गंजी से भी आंखों के ढक्कन या पलकों से छू नहीं रहा है। अब पानी खोल सी गंजी से भी आंखों के ढक्कन या पलकों से छू नहीं रहा है। अब आग का आईना देख रहा है, भले ही भूख प्यास से सूख भी रहा है। हवा बहुत दूर है, आती हुई दूर है, हिमालय की तरह उठी आ रही दिमागों में। आने वाले समय की सूचना में हमारी रगें बिजली की तरह कौंधती हैं। आने वाले समय की सूचना में हमारी रगें बिजली की तरह कौंधती हैं। अभी हवा बाहर चलती है, बहुत बहुत जलती है, पर भीतर खून में रमा हुआ पानी आकाशी झकोरों से हाथियों पर दौड़कर आने की तैयारी में लगा है। जगह है शायद अब पानी, अब तो अपने मन की कर लेने सोचेगा जरूर, जगह है शायद। दूसरा है दुख के धागे, छोटा है दुख के धागे, चेहरे पर बिखरे हुए दुख के धागे। ये किसान है, चेहरे पर बिखरे हुए दुख के धागे, गोया लिखी काली रेखाएं धुआं सी, धसी आंखों में दिखता चमकता प्रकाश, मेरी जुबान पर तैर आया आग का स्वाद, स्वाद आग का। दूसरा है निर्मल अकेलापन, मित्रों से मिले धोखों के लिए मुझ में धिक्कार नहीं उठती, मित्रों से मिले धोखों के लिए मुझ में धिक्कार नहीं उठती, आदमियत के हिस्से में आई भुगतान से मैं भीग जाता हूँ, भीतर से पीछे नहीं हटता। इस तरह मिलती यातना को चीर कर जीने का चाव नहीं हारता, इस तरह मिलती यातना को चीर कर जीने का चाव नहीं हारता। कभी कभी निश्चल और निर्मल अकेलापन और बीहड़ता अपने स्वभाव की रास्ता खोज कर निकालती है, तेजस्वित अपने औकात की ऊंचाइयां छाती से टकराती और कठोरता के पत्थरों पर पांव रखकर चढ़ने की पूरी हुमक देती है, पूरी हुमक देती है। लगातार लगातार नए नए स्रोत खोज पाने की दृष्टि ही ईजाद नक्शे राह पर झपट कर बढ़ने की ताकत ले आती है। जैसा जैसा मिट्टी में दबे हुए बीज के धीरज की धमक से उसका विश्वास बढ़ता ही रहता है, कभी कभी न कभी जुगत से पानी को पहुंचना ही होगा, आई समझ को और जगाना ही होगा, जागना ही होगा, तो कंधों पर बैठकर हरियाली थपकियां देगी। ऊपर उठने को कहेगी ऊंचाइयां हाथों से हाथ ले, अंतर्भूत होकर बढ़ेंगी, कर्मठ चाव की चरम तक साथ नहीं छोड़ेगा, साथ नहीं छोड़ेगा। एक बार कविता का शीर्षक है, दृष्टि की टहनियों से उगते लहर से नए नए पत्तों सा बदलता रहता हूँ, दृष्टि की टहनियों से उगते लहर से नए नए पत्तों सा बदलता रहता हूँ। समय हवाओं की तरह बहता है, सकीता रात और दिन की दूरी में भी दरकी नहीं कभी आज तक, अब एक बार हजार बार मौत के सिर पर तीर ठोकने की हुज्जत में लगा हुआ अपनी हाय से दूर एकदम सतर्क हूँ, पता नहीं कितना। रात में, इस रात में सितारों जैसे हजार हजार लोगों से मिलता हूँ, हिलता हूँ अंदर तक, अपनी जमीन से जड़ों में छन जाता हूँ। रात में भी सुबह जैसी यह सुगंध लोगों के साथ साथ दौड़ती है, बिजली की कौंधियों रास्ता रखती है, हमें हरा करती है, रचती है, बड़ा करती है, सुबह होने के करीब खड़ा करती है, बड़ा करती है। आखिरी कविता है एक वाक्य, प्रश्न की ऊंचाई को पाने उत्तर की गहराई खोजता हूँ, प्रश्न की ऊंचाई पाने उत्तर की गहराई खोजता हूँ, झुकता हूँ झुकाता हूँ, तार तार छूता हूँ, तो सिर पर पड़ी एक फटकार नाड़ियां तरतरा जाती हैं, तीली की तरह जल उठता हूँ, उसके सामने आंखों में एक धड़कते वाक्य की तरह जी रहा हूँ, एक धड़कते वाक्य की तरह जी रहा हूँ। एक और कविता सुनाता हूँ, कच्चा घड़ा हूँ मैं, पिटपिट कर जिसकी पसुड़ियां पुख्ता होती हैं, इस सौंधी मिट्टी में व्याप्त खुला आकार बसंत का ही है, मैं सूख कर भी देखता चूमता निकलूंगा हवा और धूप के साथ,
अभी अपने आप से पार पाने परखने के हो पाने के लिए अगली लाल आंखें से हो कर निकलता हूँ। जब गर्म और जलता समय मुझमें समाकर अदृश्य हो जाएगा और सिक्के की तरह टनक कर बोलेगी मेरी आत्मा, तब हाँ तभी आ पाऊंगा जलती प्यासी दुनिया के काम। जलन से जी निकलने के बाद हो सका तो एक जल भरा मकान। वाह वाह, वो कविता मेरे पास कैसे छोड़ दूं ये दुनिया, मैं इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं ये दुनिया। अभी सूखती नदियों की तरह उदास खड़ी हैं बहनें, अभी सूखती नदियों की तरह उदास खड़ी हैं बहनें। भाई फटे गमछे से बांधे है कान और हिमालय बर्फ से जमा देना चाहता है शरीर की सारी गलमोतियां। मेरी माँ बुहारती है जिंदगी, सांसें जिस्म की कौंधती बिजली की तरह चीरती हैं भाषा तक। शब्द फूट से फुग्गों की तरह चिथड़ों में उड़ जाते, शब्द फूट से फुग्गों की तरह चिथड़ों में उड़ जाते। रोज रोज होती मौत भूखे बच्चे की, सीने में लगती बेकारी की गोली से भाई काखता नहीं, सीने में लगती बेकारी की गोली से भाई काखता नहीं। मैं चीखता नहीं क्यों, पुकारता हूँ मेरा गांव मेरा मोहल्ला। मरघट के पास मिली जमीन कॉलोनी, धसी हुई आंखों में सामने उठती हैं झालर झालर चिन्नियां। पेड़ से चिरी गिरी डालों की तरह सूखती लटकती भुजाएं, सुरंग से तोड़े गए पत्थरों की तरह चिल्पा चिल्पा चिथड़ा एहसास। चिल्पा चिल्पा चिथड़ा एहसास चुभते हैं फूल से तोतली बोली बोलते बच्चों की हथेलियों पर उगे हुए कांटे। धूल भरे बिस्तरों पर थका हुआ प्यार पर तकिए में छुपे हुए झड़ते संकल्प चुभते हैं। गंजी में चिपके हुए साग के टुकड़े पर भूखी बुहनिया की त्वचा पर जैसे कोई फूंक फूंक जगाता है प्यार रचता है सार। एक हिमालय से ऊंची चढ़ाई चढ़ना है मुझे, साथ दोगे क्या कटोरी के पानी के पार। जाना है हमें, मैं छोड़ नहीं सकता ये दुनिया, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूंगी दुनिया, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूंगी। आंखें खुल जाती हैं, चलता हूँ चलने की आंखें खुल जाती हैं। अपनी सहजता के सार में जीता हूँ, अपनी सहजता के सार में जीता हूँ। बाजारों के बसे नगाड़ों से दूरी की दरार कर हर समय गलियों की गवाही की लड़ाई में शामिल हो जाता हूँ, गलियों की गवाही की लड़ाई में शामिल हो जाता हूँ। समारोहों की सुल्तानियत से लेना क्या देना क्या, ये समारोह मैं नहीं मानता इसका। समारोहों की सुल्तानियत से लेना क्या देना क्या, अपनी बुलंदी की किरणों में बरकरार। सूरज डूब जाने के बहुत बार रास्तों की आंखों का उजेला हो निकलता हूँ, उजेला हो निकलता हूँ। आठ फिल्म देखने जाएगा, आठ फिल्म तो मैं देखने जाऊंगा जो उससे निकल करके आ गया। हम इन सवालों को अभी तक कारपेट के नीचे दबाते चले जा रहे हैं, हम इनको गंभीरता से लेते ही नहीं। हम ये मानते हैं कि हमने ये यथार्थ का चित्रण कर दिया है, यथार्थ जो है आम जनता का है गरीब जनता का है, तो गरीब जनता तक ये क्यों पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा, उसको ये सब नहीं चाहिए, वो जानता है इन सब चीजों के बारे में बेहतर तरीके से जान। तो पहले तो हमको ये तय करना होगा कि हम कौन से यथार्थ को अपने साहित्य के लिए चुन रहे हैं। यथार्थ कोई स्थिर चीज नहीं है, ये गतिशील है। मैं अब मेले में गए, मेले में नहीं मन रहा, नर्मदा क्या है,
हाँ भेड़ा घाट। तो रास्ते भर लाइन में जो है वो महिलाएं और पुरुष जो है अपनी अपनी चीजें लेकर के बैठे हैं, बहुत गरीब हैं, बिकती है या नहीं बिकती है। लेकिन ये तो हमने देख लिया, गरीबी भी हमने देख ली, ये नहीं देखा कि वो महिला जो है पीछे जा करके फोन से बात भी कर रही है किसी से, फोन पर, मोबाइल फोन पर वो किसी से बात भी कर रही है। और माल जब नहीं बिक रहा है तो एक आदमी मोबाइल पर कुछ तस्वीर भी देख रहा है। तो यथार्थ तो बहुआयामी है, एकायामी यथार्थ नहीं है। हम केवल गरीबी 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 पर ही फोकस करके उसका चित्र जो है दे देंगे और ये गत्यात्मकता जो है उसकी नहीं दिखाएंगे, बहु आयामिता उसकी नहीं दिखाएंगे, तो यथार्थ, पूरा यथार्थ तो ये नहीं होगा। एक तो ये सब चीजों पर मेरा ख्याल है कि हमको सोचने की जरूरत है। तो मैं ज्ञान जी से वादा किया था कि बहुत भाषण वाषण नहीं दूंगा, उन्होंने तो कहा था कि दो लाइन में ही बोलना और अध्यक्ष को ये सहूलियत होती है कि अंत में जो है वो चाहे तो ना भी बोले, क्योंकि इतना समय हुआ रहता है और लोग इतने उबे हुए होते हैं, तो चाहते हैं कि जल्दी से जो है सभा समाप्त हो। तो मैं अंत में ये लहर की टीम को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिंदी में एक ऐसी परंपरा शुरू की है जो परंपरा लगभग इतिहास बनाने वाली है। और मले जी की के लिए तो काम नहीं कर सकता हूँ कि और बेहतर रचनाएं वो हिंदी साहित्य को दें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार नटखंड सिंह चौहान जी इस कार्यक्रम के सूत्रधार कहें या नेपथ्य में सर्वाधिक सक्रिय व्यक्ति असंग घोष जी से आग्रह कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। मान बहादुर सिंह लहक सम्मान 2019 के इस समारोह में सम्मानित साहित्यकार आदरणीय मलय जी को बधाई देते हुए मैं लहक परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण आयोजन में, गरिमापूर्ण आयोजन में तीसरा पक्ष को सहभागी होने का अवसर दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आयोजन में बाहर से पधारे आदरणीय कर्ण सिंह जी, आदरणीय नीलकांत जी, आदरणीय अरुण भाई, अजीत जी, भाई उमाशंकर, निर्भय जी, राम गोपाल जी और शाकिर भाई, जो सभी बाहर से पधारे, में उनका भी आभारी हूँ। और हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए, इस मंच को सुशोभित करने के लिए जो जो समय दिया और जो अपने वाणी दी है, वक्तव्य दिया है, मैं आदरणीय ज्ञान जी का भी हृदय से आभारी हूँ। आप सभी सूदी साहित्य प्रेमियों का आभारी हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां दी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मीडिया का भी आभारी हूँ, उन्होंने यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को कवरेज किया। पुनः आप सभी को धन्यवाद, आभार। और आदरणीय सुधीर सक्सेना जी का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मंच संचालन सूत्रधार का जो काम किया है, निसंदेह हमारी कई सारी परेशानियों को उन्होंने समाप्त किया है। मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ। आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए यही उम्मीद कि अगली बार जब भी कभी ऐसा आयोजन होता है, तीसरा पक्ष अगर की उपस्थिति में के आयोजन में आप सभी की सहभागिता इस तरह से बनी रहे। आप सभी